नमस्कार दोस्तों, मैं मिसलेनियस मास्टर फिर से हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में नवोदय विद्यालय समिति के लिए जो रिक्रूटमेंट आया है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। मेनली इसमें टीचर रिक्रूटमेंट है, लेकिन इसके अलावा कुछ सिविलियन पोस्ट भी है, उन सबके बारे में भी मैं डिटेल्स में बता दूंगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख लें एक बार, पहले तो मिसलेनियस टीचर कैटेगरी है, एक तो TGT और PGT जो होते हैं वो है, उसके अलावा मिसलेनियस टीचर कैटेगरी जो है वो भी है, लीगल असिस्टेंट का है, फीमेल स्टाफ नर्स का है, कैटरिंग असिस्टेंट का है, लोअर डिविजनल क्लर्क है और असिस्टेंट कमिश्नर, ये सारे भी पोस्ट हैं टीचर के अलावा। मैं डिटेल्स में एक एक करके सबको बता दूंगा, आप देखें वीडियो को। सबसे पहले तो देख लें कि ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, थोड़ा सा नवोदय विद्यालय के बारे में आप समझ लें कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑटोनोमस है और ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा मैनेज किया जाता है। इसको 8 रीजन में बांटा गया है। इसका जो रीजनल ऑफिस है वो भोपाल में, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, पटना, पुणे एंड शिलोंग में है। इसके अलावा ये रीजनल तो 8 हो गए, उसके अलावा इसके 630 जवाहरलाल नेहरू नवोदय विद्यालय जो है वो 630 जगहों पे हैं 8 रीजनल ऑफिस के अलावा, एक्सेप्ट तमिलनाडु। तमिलनाडु में कोई भी नवोदय विद्यालय नहीं है, तो एक्सेप्ट तमिलनाडु, बाकी हर एक स्टेट में नवोदय विद्यालय हैं। और नवोदय विद्यालय जो होता है वो 12th तक बच्चों को स्टडी कराते हैं और ये फुल्ली जो होता है रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, मतलब कि आपको पढ़ना भी, बच्चे जो वहाँ पे जाएंगे वो पढ़ाई भी वहीं करेंगे, वहीं पे रहते हैं, उनको खाना पीना सब वहीं पे मिलता है और टीचर के लिए भी एकोमोडेशन कैंपस के अंदर ही मिलता है, क्योंकि ज़्यादातर नवोदय विद्यालय जो होते हैं वो सब रूरल एरिया में है। यहाँ पे जैसे कि दे रखा है लोकेटेड मेनली इन रूरल एरिया, तो इसलिए रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स टीचर्स को, जो स्टाफ होते हैं उनको भी रेजिडेंशियल कैंपस मिलता है, उस कैंपस के अंदर ही मिलता है क्वार्टर्स। आगे देखते हैं पोस्ट के लिए क्या है। सबसे पहला पोस्ट आता है असिस्टेंट कमिश्नर का, ये ग्रुप ए पोस्ट होता है। इसके लिए 2 यूअर वैकेंसी है, एक जो है EWS है, एक OBC है, एक SC है, एक ST वैकेंसी है, टोटल 5 वैकेंसी है इसके लिए। आगे के पोस्ट देखते हैं। PGT जो टीचर है उन सबों में बायोलॉजी के लिए चाहिए, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इन सब चीज़ों के लिए टीचर चाहिए यहाँ पे, कंप्यूटर साइंस ये सब के लिए टीचर चाहिए। तो ये टीचर जो लोग टीचर के लिए क्या एलिजिबिलिटी है वो सब भी मैं अभी दिखा दूंगा। वो तो PGT हो गया, उसको वैसे ही TGT टीचर के लिए ये सारे दे रखा है। उसके बाद मिसलेनियस कैटेगरी भी कुछ है, जिसमें आपको म्यूजिक टीचर चाहिए, आर्ट वाले, पेट मेल चाहिए, पेट फीमेल चाहिए और लाइब्रेरियन चाहिए। तो इन सब के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांग रहा है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, वो सब अभी नीचे के पार्ट में आपको दिखाऊंगा। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए भी वैकेंसी है, लीगल असिस्टेंट के लिए वैकेंसी है, उसके अलावा कैटरिंग असिस्टेंट का है, लोअर डिवीजन क्लर्क, ये पोस्ट तो ऑलमोस्ट सब लोग एलिजिबल होगा जो भी 12th किया हुआ है। तो उसके लिए लोअर डिवीजनल जो LDC पोस्ट है उसके लिए 63 यूअर के लिए है, 6 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, OBC के लिए 36 है, SC के लिए 20 सीट है और ST के लिए 10 सीट है, टोटल 135 सीट है। इसके अलावा जो फिजिकली चैलेंज है उनके लिए ये कैटेगरी दे रखा है, एक सर्विसमैन के लिए 13 सीट है। अब इसके वन बाय वन जो दे रखा है सैलरी स्लैब देख ले एक बार। असिस्टेंट कमिश्नर के लिए ग्रुप ए पोस्ट है, तो लेवल 12 में आता है, इसका बेसिक जो होगा इस रेंज में होगा और अपर एज लिमिट जो है इसके लिए 45 ईयर्स है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है कि मास्टर डिग्री होना चाहिए साइंस, आर्ट या कॉमर्स किसी में भी। इसके अलावा आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप या तो ऑलरेडी इस लेवल पे लेवल 12 में पोस्टेड हो या फिर आपको 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो लेवल 10 का। अगर आप लेवल 10 में काम कर रहे हैं तो आपको पास 5 ईयर्स का एजुकेशनल प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आप एनालॉग पोस्ट में लेवल 12 पे ही ऑलरेडी कहीं पे काम कर रहे हैं। डिजायरेबल में भी है कि वर्किंग एक्सपीरियंस रेजिडेंशियल स्कूल का होना चाहिए, रिसर्च वर्क डन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ये डिजायरेबल है। उसके बाद जो PGT टीचर हैं, PGT के लिए लेवल 8 में ये लोग आता है, तो उनका बेसिक इस रेंज में होगा। उसके अलावा मैक्सिमम एज जो है 40 साल का है और 2 ईयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT या फिर मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% मार्क्स। जो आपका सब्जेक्ट है जैसे इंग्लिश वाले मास्टर डिग्री इंग्लिश में होना चाहिए, PGT हिंदी के लिए आपको मास्टर डिग्री हिंदी में होना चाहिए, तो ऐसे सब्जेक्ट वाइज आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए।
अगर पीजीटी टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके अलावा बीएड डिग्री होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, आपको हिंदी या इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का प्रोफिशिएंसी आपके पास होना चाहिए, और बीएड तो होना ही चाहिए पीजीटी के लिए भी। डिजायरेबल में दिया है कि एक्सपीरियंस एज पीजीटी इन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन हो तो उसको प्रेफरेंस दिया जा सकता है। बाकी जो टीजीटी टीचर हैं उसके लिए दे रखा है कि इंग्लिश के लिए कितनी पोस्ट कोड क्या है वो सब डिटेल्स है, और जो पे रेंज होता है पे स्केल उसके लिए लेवल 7 में लोग आता है, बेसिक इसका 44,900 से लेकर 142,400 के बीच होता है, मैक्सिमम एज लिमिट जो है 35 ईयर्स है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसके लिए भी वही है कि आपको रीजनल कॉलेज एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी है वहाँ से 50% मार्क्स के साथ 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स पास होना चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री होना चाहिए विथ बीएड 3 ईयर्स डिग्री कोर्सेज भी होना चाहिए। फॉर टीजीटी हिंदी, हिंदी एज ए सब्जेक्ट ऑल 3 ईयर्स ऑफ डिग्री कोर्सेज, जो टीजीटी हिंदी के लिए कर रहे हैं उनके पास हिंदी होना चाहिए तीनों साल में एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में। इंग्लिश के लिए भी सेम है कि आपके पास इंग्लिश होना चाहिए जो डिग्री कोर्स है। मेन जो है कि आपके पास सीटेट जो होता है वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, बीएड डिग्री होना चाहिए, ये सारे है। उसका डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जो है एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ रेजिडेंशियल स्कूल और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये डिजायरेबल है। अब आता है मिसलेनियस टीचर्स जो वैकेंसी है उसके लिए, तो इसका पोस्ट कोड ये सब दे रखा है। उसके अलावा जो सैलरी पे स्केल है वो भी ये लेवल 7 में ही आ रहा है। इसमें म्यूजिक के लिए जैसा इसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि 5 ईयर स्टडी इन म्यूजिक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, डिजायरेबल में वर्किंग नॉलेज इंग्लिश एंड हिंदी और अदर रीजनल लैंग्वेज। आगे देखते हैं, आगे बाकी जो बैचलर डिग्री इन म्यूजिक फॉर्म में रिकॉग्नाइज एंड बीएड होना चाहिए आपके पास। म्यूजिक के लिए भी आपको एक तो बैचलर डिग्री म्यूजिक में होना चाहिए, साथ साथ बीएड होना चाहिए। आर्ट्स के लिए भी वही है कि आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए और बीएड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। लाइब्रेरियन के लिए जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास ऑप्शन होता है कि यूनिवर्सिटी डिग्री इन लाइब्रेरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, या फिर ग्रेजुएट विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। इनके पास दोनों ऑप्शन होता है कि या तो आप यूनिवर्सिटी से डिग्री होना चाहिए आपके पास लाइब्रेरी साइंस में, या फिर आप ग्रेजुएशन के बाद 1 ईयर डिप्लोमा किया हो लाइब्रेरी साइंस से, वो लोग अप्लाई कर सकता है। वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी और अदर रीजनल लैंग्वेज, आपको वर्किंग नॉलेज इंग्लिश हिंदी में या फिर रीजनल लैंग्वेज जो है उनमें होना चाहिए। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ रेजिडेंशियल स्कूल होगा, ये डिजायरेबल में है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, ये सब डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। उसके बाद आता है लीगल असिस्टेंट, तो लीगल असिस्टेंट के लिए एज लिमिट जो है वो 18 से 32 है, पे स्केल जो है ये है, और क्वालिफिकेशन जो मांग रहा है डिग्री इन लॉ फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। डिजायरेबल में भी इसका भी है 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग लीगल केसेज। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए आपके पास नर्सिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ग्रेड ए डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। उसके बाद कैटरिंग असिस्टेंट के लिए भी मैक्सिमम एज जो है 35 है, लेवल 4 में आते हैं, इसके लिए होना चाहिए 10th पास होना चाहिए, उसके बाद 3 ईयर डिप्लोमा इन कैटरिंग आपके पास होना चाहिए। अब आता है LDC, इस लेवल 2 में आता है, इसके लिए 18 से 27 साल का एज लिमिट है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन जैसा कि बताया 12th पास होना चाहिए, इसके अलावा 50% मार्क्स होना चाहिए, और आपका टाइपिंग स्पीड 30 words per minute इन इंग्लिश या फिर 25 words per minute इन हिंदी होना चाहिए आपको टाइपिंग में। अगर आप हिंदी में कर रहे हैं तो 25 words per minute आना चाहिए, इंग्लिश में 30 words per minute आना चाहिए। बाकी डिजायरेबल में वही है, कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होना चाहिए, ये सारे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में हो जाएगा। अब एज रिलैक्सेशन जैसे कैटेगरी वाइज जो मिलता है, SC ST के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल है, जो लेडीज कैंडिडेट होंगे उनके लिए 10 साल का है, तो ऐसे करके एज रिलैक्सेशन दे रखा है। बाकी सारे लोगों के लिए भी वैसे ही, नवोदय विद्यालय जो एम्प्लॉई है उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, वो कितने साल तक भी अप्लाई कर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जाम एंड इंटरव्यू होगा, जहाँ पे इंटरव्यू की जरूरत होगी, जहाँ पे टाइपिंग की जरूरत है वहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम और फिर टाइपिंग होगा।
जो एग्जाम सेंटर दे रखा है वो सारे ये सब एग्जाम सेंटर, इन सब शहरों में आप एग्जाम दे सकते हैं। ऑलमोस्ट जो भी फेमस शहर है वो सब जगह है, अहमदाबाद, अमृतसर, अजमेर, इलाहाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, तो सब जगह का है। आप नॉर्थ से साउथ सारे स्टेट का देख सकते हैं, इसमें एग्जाम सेंटर आपको मिल जाएगा, जहाँ आप अप्लाई करना चाहें वहाँ कर सकते हैं। अब स्कीम ऑफ एग्जाम देख लें, असिस्टेंट कमिश्नर के लिए पहले आ गया। असिस्टेंट कमिश्नर के लिए जो एग्जाम होगा क्या होगा, रीजनल एबिलिटी से 15 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के लिए, जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो होगा हिंदी और इंग्लिश इन दोनों से 20-20 क्वेश्चन होंगे, टोटल 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड जो होगा 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, उसके बाद एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन से 90 क्वेश्चन होगा 90 मार्क्स के, टोटल टाइम 3 आवर्स का मिलेगा, 180 क्वेश्चन होंगे 180 नंबर के। पीजीटी के लिए वैसे ही है, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, टीचिंग एप्टीट्यूड, सब्जेक्ट नॉलेज डिफिकल्टी, जो आप जिस सब्जेक्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, अगर जो हिंदी के लिए पीजीटी अप्लाई कर रहा है उसे हिंदी से पूछा जाएगा, इंग्लिश के लिए इंग्लिश वाले से पूछा जाएगा, तो ऐसे करके बाकी लैंग्वेज का ये जो हिंदी इंग्लिश का टेस्ट हो सबके 15-15 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे उन लोगों से। उसके अलावा आता है टीजीटी मिसलेनियस जो पोस्ट है उसके लिए, तो उसमें भी रीजनिंग आपको 10 क्वेश्चन होगा 10 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन होगा 10 मार्क्स का, और टीचिंग एप्टीट्यूड जो होगा 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का, सब्जेक्ट नॉलेज जो सब्जेक्ट के लिए, जैसे अगर कोई म्यूजिक के लिए कर रहा है तो उससे म्यूजिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई भी लाइब्रेरी से लाइब्रेरियन के लिए कर रहा है तो उससे लाइब्रेरी से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो 100 क्वेश्चन होंगे सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, और 100 मार्क्स के हो गए, तो टोटल 135 क्वेश्चन हो गए 135 मार्क्स के। इसके अलावा लैंग्वेज से पूछे जाएंगे 45 क्वेश्चन, इसमें आपको 15 हिंदी से 15 इंग्लिश से, उसके अलावा 15 कोई एक जो लोकल लैंग्वेज आपको चूज करना है रीजनल लैंग्वेज उसमें से, तो इसलिए इसमें 45 हो जा रहे हैं। नीचे में आपका रीजनल लैंग्वेज का ऑप्शन रहेगा, आप कौन सा रीजनल लैंग्वेज चूज कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको एग्जाम देना होगा। उसके अलावा लीगल असिस्टेंट के लिए आता है, ये एक बार देख ले पहले, यहाँ पे जो रीजनल लैंग्वेज है वो असमी है, बंगाली है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, मलयालम है, मणिपुरी, मराठी, बोडो, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, गारो, खासी, मिजो, इंग्लिश, इसमें से आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। ऊपर वाला जो एग्जाम था यहाँ पे यहाँ के लिए देने के लिए, अब लीगल असिस्टेंट के लिए आप देख लें, इसमें भी रीजनिंग एबिलिटी है, सब में ऑलमोस्ट वही पूछ रहा है, जो सिर्फ आपका ये वाला पार्ट है जो सब्जेक्ट जो पूछा जाएगा, जैसे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा जाएगा क्योंकि लीगल असिस्टेंट का पोस्ट है, तो जो आपका पोस्ट का प्रेफरेंस होगा टीजीटी पीजीटी में टीचर से रिलेटेड जो आपका सब्जेक्ट होगा उससे पूछा जाएगा, ये लीगल का है तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पूछा जाएगा, तो ये एक चेंज हो रहा है, बाकी ये ऑलमोस्ट सब में सेम है, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज, ये सबसे क्वेश्चन सब में सेम पूछे जा रहे हैं। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए भी रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, लोकल लैंग्वेज होगा, लैंग्वेज जो है हिंदी और इंग्लिश, उसके अलावा सब्जेक्ट नॉलेज से पूछा जाएगा इसमें भी। कैटरिंग स्टाफ असिस्टेंट जो होंगे उसमें भी रीजनिंग होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, लैंग्वेज होगा और सब्जेक्ट नॉलेज से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लोअर डिविजनल क्लर्क जो है इसमें आपको रीजनिंग से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के पूछे जाएंगे, जनरल इंग्लिश एंड हिंदी 30 नंबर के होंगे, मतलब 15 इंग्लिश से क्वेश्चन और हिंदी से 15 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के, और जो एग्जाम होगा वो 2 घंटे का होगा। इसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 नंबर 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के, कंप्यूटर से भी इसमें 20 क्वेश्चन 20 नंबर के पूछे जाएंगे, तो टोटल 120 क्वेश्चन होगा 120 मार्क्स के, और इसके लिए टाइम भी जो मिलेगा आपको 120 मिनट्स मिलेगा। एलडीसी के लिए ये एग्जाम का पैटर्न होगा। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड, इसका अभी बाद में जब एडमिट कार्ड इशू होगा तो आपका डेट अनाउंस हो जाएगा उसके अनुसार कि आपका कब किसका एग्जाम होगा। एग्जामिनेशन फी देख ले, असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 1500 रुपये है, पीजीटी और टीजीटी या मिसलेनियस कैटेगरी के लिए 1200 रुपये है, और स्टाफ टीचर और फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 1200 रुपये ही हैं, जो लीगल असिस्टेंट, कैटरिंग असिस्टेंट और लॉ डिविजनल क्लर्क है उसके लिए 1000 रुपीज का है। इम्पॉर्टेंट डेट देख ले, रजिस्ट्रेशन इसका 10 जुलाई से शुरू हो चुका है, क्लोज कब तक होगा तो 9 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं, फी डिपॉजिट करने का टाइम 10 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक का होगा, और रिटर्न एग्जाम डेट जो होगा 5 से 10 सितंबर के बीच का होगा, तब इसके अनुसार
अप्लाई कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट डेट्स है, 10 जुलाई से शुरू हो चुका है रजिस्ट्रेशन, 9 अगस्त तक चलेगा, और फी डिपॉजिट आप 10 जुलाई तक कर सकते हैं, और 10 जुलाई से लेकर 12 अगस्त के बीच में आप फीस डिपॉजिट कर सकते हैं, और एग्ज़ाम का जो डेट है 5 से 10 सितंबर के बीच है। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखा है कैंडिडेट के लिए कि कौन कौन एलिजिबल है। ये नॉर्मल जो सब एग्ज़ाम के लिए होता है वही कंडीशन है, इसमें कुछ चेंजेज नहीं है। तो ये था जो जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए जो फॉर्म आया हुआ है अभी, रिक्रूटमेंट फॉर्म। तो अगर आप इसके लिए जो पोस्ट के लिए एलिजिबल हो अप्लाई कर सकते हैं। अभी भी अगर कुछ आपको डाउट्स हो एग्ज़ाम से रिलेटेड या, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।